डिप्लोमा करने के बाद इसको है कि भाई इंटर इक्विवेलेंट है, लेकिन फिर भी बहुत सारा फॉर्म में हम इंटर के इक्विवेलेंट में नहीं भर सकते हैं फॉर्म को। हाँ, एक अच्छा यहाँ पे सवाल आ गया है। एक स्टूडेंट था, उसका कहना था कि सर मैंने मैट्रिक प्लस डिप्लोमा किया है तो मैं क्या एनटीपीसी का फॉर्म भर सकता हूँ? क्योंकि एनटीपीसी या तो इंटर बेसिस पे आती है या ग्रेजुएशन बेसिस पे आती है, तो ना तो उस बंदे का इंटरमीडिएट है ना ग्रेजुएशन है, तो क्या वो फॉर्म भर सकता है? एनटीपीसी में शायद था, ऑप्शन था। भर सकते हैं हाँ, इंटर बेसिस इस पे। बार आपने एनटीपीसी, आपने तो ग्रेजुएट था, ग्रेजुएशन बेसिस पे भरा होगा, आपने नहीं इंटरमीडिएट बेसिस पे नहीं भरा होगा। तो यहाँ पर एनटीपीसी में शायद हमको याद आ रहा है कि कहीं पे ऑप्शन था ऐसे, जो है झारखंड सरकार इसको बोल दिया, मान्यता दे दी एसबीटी कि ये इंटर इक्विवेलेंट है, लेकिन बहुत सारे में आता है कि इंटर इक्विवेलेंट का, लेकिन बहुत सारा फॉर्म अभी भी है जहाँ पर उसको इंटर चाहिए ही चाहिए, आपको डिप्लोमा से मतलब नहीं है उसको, तो दिक्कत था। इसलिए सोचे हैं कि अगर हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो ये तो प्रॉब्लम अगर सॉर्ट आउट हो एक जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ग्रेजुएशन पे आप अगर आईएएस का भी फॉर्म भरते हैं उसको कोई मतलब नहीं, आप पास डजंट ऐसे मैटर। कहीं से भी कुछ भी कीजिए आप ग्रेजुएट होने से। और दूसरा है कि प्राइवेट कंपनी में जाने के लिए घर से ही था कि भाई इधर नहीं जाना, थोड़ा समय ले लो लेकिन ये रास्ता क्लोज हो गया था। हाँ व्यवस्था, तो मतलब इंटरव्यू के लिए बैठते जरूर थे सारे लोग, लेकिन फोन पर जाना नहीं। एक्सपीरियंस के लिए बैठते थे। हाँ, एक्सपीरियंस के लिए। अच्छा, तो बेसिकली ये जो आपका ग्रेजुएशन का डिसीजन था, ये आपके गार्जियंस का हाँ, डिसीजन मेरा डिसीजन। था, तो फिर उसके बाद आपने तैयारी करी या डिप्लोमा, मतलब कि जो डिप्लोमा का जो फाइनल ईयर था उसी दौरान आपने बीटेक का कंपटीशन में बैठा या अलग से तैयारी किया नहीं था? नहीं उसी साल सिर्फ बैठा सिर्फ बिना कोई तैयारी, और सिलेक्शन भी हो गया। फिर सिलेक्शन भी हो आपका गया सिलेक्शन कहाँ हुआ? अब दुमका इंजीनियरिंग दुमका कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज। तो वो आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में इंटर कर गए होंगे, तो कैसा रहा वो बीटेक का जो आपका 3 साल का जर्नी रहा, वो आपका जर्नी कैसा रहा और आप उसको कैसे देखते हो उस जर्नी को? क्योंकि मेरा डिप्लोमा हो चुका था हाँ तो ग्रेजुएशन में मैं बीटेक में बहुत ज़्यादा हेल्प था। जी कोई भी ऐसा पेपर नहीं था जो मेरे लिए अननोन था। एक अच्छा, पेपर जो था हीट एंड मास ट्रांसफर, सिर्फ उसका बेसिक जानते थे, कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन जो होता है, इसके अलावा जो बाकी चीज था वो नया था। लेकिन बाकी किसी भी पेपर का बात करें, चेयरलेस मशीन का बात करें, मशीन डिजाइन का बात करें, ड्राइंग का बात करें, कहीं भी कोई ज्यादा न्यू नहीं था, तो मेरे बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। और जो कि सारा जो था डिप्लोमा पढ़ा हुआ था, सिर्फ उसका एक्सप्लेनेशन वहाँ था, उसका न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा था, उसका कंसेप्ट ज्यादा था, तो मतलब अननोन टाइप से नहीं था, बहुत ज्यादा हेल्पफुल था डिप्लोमा की वजह से। अच्छा, तो उसका जो आपका मतलब आपके लिए तो सेकंड ईयर कहेंगे बीटेक का, जो आपका आपके लिए फर्स्ट ईयर लेकिन एक्चुअली बीटेक का सेकंड ईयर, तो सेकंड ईयर में बेसिकली आपने क्या सीखा और आपका वो 1 साल का जो जर्नी रहा सेकंड ईयर का वो कैसा रहा? पहला 6 महीना था, मतलब पहला जो थर्ड सेमेस्टर था वो तो लगभग लगभग घर पे आते हैं बीच में, मुझे मन ही नहीं लगता था वहाँ, जो नया नया जगह था। और चूंकि होता क्या है कि जब आप फर्स्ट ईयर में कहीं जाते हैं तो सारे लोग फर्स्ट ईयर में आते हैं, सारे न्यू होते हैं, तो आप किसी के साथ इंटरेक्ट करना आसान होता है, आसान होता क्योंकि उसके अंदर भी इंटरेक्ट करने का इच्छा होता है, आपके अंदर भी होता है। लेकिन है। कहीं आप सेकंड ईयर में डायरेक्ट जाते हो तो होता क्या कि पहले सबका अपना अपना जोन बढ़ गया हाँ, होता अपना अपना ग्रुपिंग हो है, अपना अपना जाता है और जोन सबको अपना अपना कंफर्ट जोन फाइंड कर लेते कंफर्ट जोन हैं। फाइंड कर लेता है। और हम लोग बहुत करीब 5 या 6 बच्चे आए थे अपने ब्रांच में जो कि डिप्लोमा से करके आए थे। ठीक है, तो हम लोग 5 6 ही का था कि भाई अपना जोन खोजना है, बाकी का कोई मतलब किसी साथ इंटरेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो एक हमारे थे मित्र अपूर्व कुमार सिंह, जिनका हम इंटरव्यू ऑलरेडी ले चुके हैं, तो भी डिप्लोमा करके आए थे, तो फिर उनके साथ हम इंटरेक्ट किए, फिर वो बाद में हमारे पार्टनर तो ये तो आपका वो स्टार्टिंग का थर्ड सेमेस्टर, फिर अगला फोर्थ सेमेस्टर का जो रहा है ये कैसा रहा है? फोर्थ सेमेस्टर से फिर जो काफी लोग से इंटरेक्शन हो गया था, आपसे भी फोर्थ सेमेस्टर में इंटरेक्शन हो चुका था मेरा, तो बाकी सब एज यूजुअल चलते रहे। फिर उसका जो अगला साल था एक्चुअली बीटेक का आपका जो थर्ड ईयर था वो कैसा रहा आपका? मतलब थर्ड ईयर क्या का सीखने को मिला या उस पूरा 1 साल के जर्नी में कुछ टर्निंग पॉइंट्स, कुछ ऐसा मोमेंट जो आपको लगा कि नहीं वो बीटेक में काफी थर्ड ईयर का जो जर्नी था उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी है या रोल है? नहीं तो आपको तो दुमका इंजीनियरिंग का पूरा कहानी पता है। ठीक है, कैसे नहीं, तो हम एक्चुअली ये व्यूअर्स के लिए कर रहे हैं कि एक्चुअली इसका सीरीज का नाम भी है रहस्य, तो इसमें बेसिकली आपके आपका जो पूरा जीवन का सार है जो आप बता सकते हैं पब्लिकली, कॉन्फिडेंशियल चीजें बताने की जरूरत नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि अन अकेडमी आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका है।
फाउंडेशन बैच कोर्स किसके लिए, तो RRB NTPC के लिए और ग्रुप डी के लिए, जो कि कब से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोगों का 26 मई से स्टार्ट हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, इसमें जैसे कि ये सारे एडुकेटर्स आप लोगों को मिलेंगे, सैफिली राठौड़, उसके बाद आनंद पांचाल, अभिषेक मिश्रा, रजत कुमार। ओके फ्रेंड्स, इसमें जैसे कि हमारा कूपन सब्जेक्ट क्या क्या कवर होगा, जनरल अवेयरनेस कवर होगा, मैथ्स कवर होगा, रीजनिंग कवर होगा, जनरल साइंस कवर होगा। हमारा कूपन कोड है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आसानी से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट चाहिए हो तो हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करिएगा उमंग स्टडी, UMANGSTUDY बिना स्पेस के, आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मंथली प्राइस बहुत ही कम है फ्रेंड, 150-200 रुपया मंथली, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है, आप आसानी से इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स,